तो राम मंदिर बना रहे अयोध्या में, इधर हमारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा, ठीक है। अगर रविदास जी का मंदिर नहीं बनाया और इन्होंने कब्जा कर लिया तो अयोध्या तो छोड़ो, पूरे देश में एक भी मंदिर सही सलामत नहीं रहेगा। हम तोड़वाने का पूरा काम करेगा, खुला चैलेंज है। और जो मोदी साहब उखाड़ता वो उखाड़ लियो, ठीक है। जो युवा टीम है, जो बहुजन समाज की युवा टीम है, ईंट से ईंट बजाना भी जानती है। 2 अप्रैल दोबारा से दोहरा देंगे हम। हम लोग डरते नहीं मरने से। अगर हमारे पूर्वजों की धरोहर को जरा से भी नुकसान पहुंचा तो भाजपा का सूपड़ा साफ कर देंगे। और आरएसएस भी कान खोल के सुन ले, आरएसएस की नीति है यहाँ पर मंदिर को ढाकर यहाँ पर केंद्रीय कार्यालय बनाने के इनके प्लान है, बहुत बड़ा प्लान है। जो टीडी भी खरीदा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट भी खुद, और जो मीडिया है, जो मनवादी मीडिया है ना, वो तो इनकी भड़वी है रखेल। अगर ये हमारे समाज के मतलब हमारे समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे तो ये मतलब हमारी जनसंख्या 25 करोड़ है, अगर हम एकजुट होकर मुंह देना पूरे हिंदुस्तान में बाढ़ ला देंगे। मैं सच्चाई बता रहा हूँ। और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हम जो पूरे भारत में इतने मंदिर हैं, हम किसी की भावनाओं को कोई ठेस नहीं पहुंचाते। हम किसी की मंदिर को आज तक सब हम पूजा पाठ करते हैं, सबके साथ रहते हैं। क्या फिर हम हिंदू नहीं है? इनके अंदर जो जातिवादी हीनता, जातिवादी जो इनकी मानसिकता है, हमारी जो ये सोच जातिवादी सोच है इनकी, वो बहुत गलत है। मैं कहता हूँ कि क्या मंदिर हमारा मंदिर मंदिर नहीं, इनके मंदिर मंदिर है। ये राम के मंदिर के लिए पूरे जोर लगा रहे, हमारे बने बने मंदिर को तोड़ रहे, 600 साल पुराने मंदिर को तोड़ रहे हैं। एक बार बताओ, 600 साल पहले ये कागज कह रहे, कहाँ से कागज लाओगे? हम तुम्हारा 5000 साल पहले हथियार बता, मैं तुम बाहर के लोग हो, हम तुम्हारे कागज दिखा रहे हैं 5000 साल पहले। तुम्हारे 600 साल का हथियार जानना चाहते हो? अरे हमारे जो हमारे वंशज हुए हैं, उन्होंने तुम्हारी इतनी सेवा करी है, इतना तुम्हारा वो करा है, उनका तुम्हारा बदला नहीं चुकाया जाने का, हमारे समाज ने तो तुम्हारा वो करा। ये मंदिर जहां तक वहीं रहना चाहिए और इसको वहीं मतलब हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, हम इसके लिए अपनी जान दे देंगे, हम अपने कुछ भी करें, हम ये मंदिर यहीं रहेगा और इसे हम यहीं देखना चाहते हैं। जिस दिन से इस देश में इनकी सरकार आई है, इन्होंने हिंदूवादी एजेंडा लागू कर दिया है और जगह जगह पर मॉब लिंचिंग हो रही है, जगह जगह पर दलितों की हत्याएं हो रही हैं, जगह जगह पर हमारी महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, जगह जगह पर हम लोगों को गुमराह करके जेलों में डाला जा रहा है। और ये जो हमारे यहाँ तुगलकाबाद में संत रविदास जी का मंदिर इन्होंने तोड़ा है, तो इनका मकसद एक ही है कि इनको दलितों को गुमराह करके और इसमें उलझा दो और वहां का अयोध्या का राम मंदिर का रास्ता साफ करो। अभी सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट नहीं आया है, तो ये मोदी जी क्या चाहते हैं कि यहाँ हम जा करके अयोध्या में राम मंदिर बना देंगे? यहाँ 85% का समाज, तो हम लोग तुमको गद्दी पर बिठाना जानते हैं मोदी जी, तो तुम लोग तुमको जूते मार कर नीचे उतारना भी जानते हैं। हम लोग ये कभी भी भूल कर मुकालते में मत रहना, तो तुमको 1 मिनट में कुर्सी से उतार कर और नीचे फेंक दिया जाएगा और अगले प्रधानमंत्री तुम कभी नहीं इस देश में बन पाओगे। और आपने जुर्रत की है तो मंदिर तोड़ा है, तो वहीं पर बंदर का बच्चा खड़ा है हनुमान, उसकी आपने मूर्ति क्यों नहीं तोड़वाई? आपको रोड चौड़ा करना है या डीडीओ को वहां पर कॉलोनी बनानी है, तो आपने वहां पर वो हनुमान का बच्चा खड़ा है उसकी मूर्ति नहीं टूटी। हमारे महापुरुष की जो मुगल कालीन 600 साल से बनी हुई मूर्ति थी, उसको तुमने कैसे तोड़वा दिया? इसके लिए हम तुम्हारी नाक में दम कर देंगे, तुम्हारा सोना खाना हराम कर देंगे। माननीय मोदी जी से एक बात कहना चाहता हूँ कि इतना घटिया आदमी, मैं क्या बताऊं, अनपढ़ गंवार आदमी जो ये देश चला रहा है, संसद में छोड़िए लाल किला से झूठ बोलता है ये आदमी, और ये आदमी 15% के लोग ताली बजाते हैं अनपढ़ गंवार उसके भाषा पे। मुझे तो शर्म आती है कि मैं ऐसे देश में क्या बताऊं कि ऐसे देश को लोग को प्रधानमंत्री उसको बना दिया। अब तुम सोच रहे हो ना हमारी मंदिर पे हाथ लगाए हो और बाबा साहब के संविधान पे। मैं तुमको बता दे रहा हूँ, राम मंदिर तुम्हारा हम बनने नहीं देंगे। अगर हमारे एक भी महापुरुषों को ऊपर अगर आँच आ गया और हमारे संविधान के एक भी आर्टिकल के ऊपर आँच आ गया, तो तुमको हम घर में घुस के मारेंगे। और जितने भी 15% हो, सुन लो, विदेशियों कुत्ते की मौत मार के भगाएंगे हम इस देश से। ये देश हमारा है और हम इस देश के मूल निवासी हैं। मुझे हमारा हक नहीं मिला तो सोच लेना, अभी तो ये शुरुआत है। मैं बता दे रहा हूँ अपने सभी भाइयों से कि अगर सुन लो मेरे सभी भाइयों, डरना नहीं है इन पागलों से, डरना नहीं है, ये कुछ हम लोग कर नहीं पाएंगे। आज इनका डर के मारे ये भाग चुके हैं दिल्ली छोड़ के, और ये दिल्ली हमारी है, किसी और की नहीं।